अब उसके लिए क्या करने का है? देखिए होता क्या मालूम है, चोर चोर मोसेरे भाई। वैसे आप शरीर में हो, आप किसी शरीरधारी के साथ हो, वो चाहे आपका पति हो चाहे आपकी पत्नी हो, माने कितना भी क्लोज हो तो भी आप शरीरधारी है, वो शरीरधारी है। आप किसी भी शरीरधारी के पास बैठे और आप चाहो कि आपका शरीर का प्रभाव कम हो जाए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप शरीरधारी है, वो भी शरीरधारी है, तो उसके कारण क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा इस साल में, क्या करने का है? तो आज से जैसे होता है कि नहीं, कोई डायरी लिखने का संकल्प करता है, कोई बोलता नहीं मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, कोई बोलेगा आज से मैं पान नहीं खाऊंगा, कोई बोलेगा मैं आज से गुटखा नहीं खाऊंगा। तो मैं आपको ये सब बातें कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आपके विकार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके आपको दोष छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं आप अपने साथ रहना सीख लो। ये साल अब आपके साथ बिताओ, अब आपके साथ बिताओ, यानी क्या आपके साथ बिताओ, यानी आप आपकी आत्मा के साथ इस साल को बिताओ। तो आत्मा के साथ बिताओ यानी क्या, कैसे बिताते हैं मैं आपको बताता हूं। एक थोड़ी सी दिन भर में, पूरे दिन भर की दिनचर्या में, आपकी 24 घंटे की दिनचर्या रहती है, उस दिनचर्या में थोड़ा समय, आधा घंटा, एक आधा घंटा आप अपने अकेले बिताओ। किसी छत के ऊपर जाकर के बैठो, किसी मैदान में जाके बैठो, किसी गार्डन में जाके बैठो, किसी बड़े कमरे के अंदर अपने को बंद करके बैठो, लेकिन आधा घंटा ऐसे बैठो कि आपके 10-15 फीट के अंतराल में कोई भी दूसरा शरीर न हो। और ऐसा कर करके आप उस मंत्र का जाप करो, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इसका जाप करो एक आधा घंटा। और ये सुबह के समय करो, सूर्योदय के समय करो, अति उत्तम है। ये करने से क्या होगा? ये होगा, देखो क्या होता है, जब शरीरों की संख्या खूब है, हजारों के लोगों के बीच में हम बैठे हैं और हम अपना शरीर भाव कम कर रहे हैं, तो होगा क्या? नहीं होगा। आपको सबसे पहले एक लेवल पे आना पड़ेगा, पहले आपका एक शरीर और आपकी एक आत्मा दोनों आ गए, उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे अपने आत्मभाव को बढ़ा रहे हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ऐसे करते 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 आप आपके आत्मभाव को वृद्धिगत कर रहे हैं, आत्मभाव को बढ़ा रहे हैं, और आत्मभाव को बढ़ाते 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 आप कुछ दिनों बाद देखोगे वो आधा घंटा आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ आधा घंटा होगा। क्या होगा मालूम है? धीरे 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 आपका संपर्क आपके साथ आत्मा के साथ होना चालू हो जाएगा। और दूसरा, ये मंत्र जाप करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अकेले बैठोगे ना तो फिर आपको कुछ ना कुछ विचार आएंगे। विचारों के द्वारा क्यों ना आप किसी ना किसी व्यक्ति के विचार करोगे, और जिस व्यक्ति के विचार करे वो अनजाने में फिर आपके पास आ गया। तो आपको कोई विचार नहीं करने का, शरीर से भी अकेला रहने का है, चित्त से भी अकेला रहने का। आपको उस आधे घंटे में किसी भी व्यक्ति का विचार नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या हुआ, उस व्यक्ति को आपने चित्त से तो बुला ही लिया। और दूसरा, इसीलिए उस आधे घंटे के अंदर प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो कि आपको किसी के साथ नहीं रहने का है, किसी का भी विचार भी नहीं करना, विचार से भी नहीं रहने का है। तो ऐसे करते 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 आपके अंदर का आत्मभाव बढ़ेगा धीरे 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 धीरे। ये अभ्यास है, ये साधना है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, एकदम नहीं घटित होगा। कुछ दिन बाद आपको अनुभव होगा आपके अंदर का आत्मभाव जागृत हो गया है, आत्मा सशक्त हो गई है, आत्मा मजबूत हो गई है, और आत्मा मजबूत होने के बाद में, आत्मा सशक्त होने के बाद में आत्मा आपकी गुरु बन जाएगी। और गुरु बन जाने के बाद में फिर वो आपको अंदर से बताना चालू करेगी किस समस्या का निदान क्या है, प्रत्येक जगह आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको गाइडेंस करेगी, वो आपका गुरु बनेगी। समर्पण ध्यान का एक ही उद्देश्य है, आप आपके गुरु बन जाओ, और गुरु बन जाने के बाद में उसका मार्गदर्शन, उसका नियंत्रण आपके जीवन के ऊपर हो जाएगा। देखिए, जब एक बार उस आधे घंटे की साधना से करते 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 आपका आत्मा का नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो गया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आप सर्वप्रथम शरीर के तकलीफों से मुक्त हो जाओगे। कमर दुखेगी नहीं, ऐसे नहीं दुखेगी, लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा कि दुख रहा है। घुटने दुखेंगे नहीं, ऐसे नहीं दुखेंगे, लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा कि दुख रहे हैं। तो शरीर के विकारों से,
शरीर के दुखों से मुक्त होंगे, शरीरों के विकारों से मुक्त होंगे, शरीरों के व्यसनों से मुक्त होंगे, शरीरों के विचारों से मुक्त होंगे। ये सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं सब घूम फिर करके एक जगह शरीर पे आ जाती है। तो उस शरीर में से मुक्त होना ही वो मुक्त अवस्था है, इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष वह स्थिति है, वो प्रत्येक को अपनी स्वयं ही प्राप्त करना होती है। उसके लिए सतत साधना की आवश्यकता होती है और वही साधना की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। इस नव वर्ष के प्रथम दिन हम आज उस साधना का प्रारंभ कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं कि साल भर तक ये साधना सतत आप प्राप्त करते रहें और उस परम शुद्ध स्थिति तक पहुंचे, जिस स्थिति को वह मुक्त अवस्था कहते हैं, जो विकारों से मुक्त है, रोगों से मुक्त है, विचारों से मुक्त है, उसे ही मोक्ष कहते हैं।